डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील की समस्या के बारे में। हाइड्रोसील का मतलब होता है दोस्तों कि जो अंडकोश होता है, जो टेस्टिस होती है, स्कॉटम होता है, टेस्टिस के चारों ओर एक कवरिंग होती है जिसको स्कॉटम बोलते हैं। उस स्कॉटम में पानी भर जाता है, इस समस्या को हम कहते हैं हाइड्रोसील। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि इसका क्या कारण हो सकता है, इसकी क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी में कौन कौन सी वह दवाइयाँ हैं जो इसको ठीक कर सकती है, और एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। किसी भी प्रकार के अगर शरीर में कहीं भी पानी भर जाता है तो वह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। वह कॉम्बिनेशन इसमें भी काम करेगा, वह मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोसील क्या होता है। हाइड्रोसील का मतलब होता है जो अंडकोश होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस को कवरिंग करने वाली एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको स्कॉटम कहते हैं। उस स्कॉटम और टेस्टिस के बीच में पानी भर जाता है तो उस समस्या को हम हाइड्रोसील कहते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, लेकिन यह कभी कभी कुछ एक्वायर्ड कारण भी हो सकते हैं और इसके कुछ कंजेनाइटल कारण भी हो सकते हैं। कंजेनाइटल कारण मतलब कि कोई बच्चों में यह ज़्यादातर होता है कंजेनाइटल, की बर्थ के पहले या बर्थ से ही हाइड्रोसील होता है, लेकिन वह कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। जो एक्वायर्ड होता है, कारण जात होता है, किसी कारण के कारण होता है। तो दोस्तों आज हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि जैसे कोई चोट लग जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण हाइड्रोसील डेवलप हो गया। तो दोस्तों यह कोई हानिकारक समस्या नहीं है, इसमें कभी कभी कोई पेन भी नहीं होता है, लेकिन यह काफ़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, आपकी सेक्स लाइफ खराब कर सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोसील बहुत बड़ा हो जाता है, नारियल के आकार से भी बड़ा हो जाता है, तो वहाँ फिर आपको कोई सर्जिकल प्रोसेस करके उस पानी को निकलवाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप पहले ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी सर्जरी भी कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती, छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें पानी निकाल दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि होम्योपैथी में कौन कौन सी वह दवाइयाँ हैं जिससे कि हाइड्रोसील की समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्वायर्ड जो कारण जात हाइड्रोसील है उसको कैसे ठीक करते हैं। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है आर्निका। अगर चोट लग जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई भी प्ले कर रहा है जिसमें उसको चोट लग जाती है, जिसके बाद में हाइड्रोसील डेवलप हो जाता है, तो वहां पर आर्निका मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसको 12 पोटेंसी में अगर मिलती है तो इसको दिन में 4 बार लेना है, और 30 पोटेंसी में मिलती है तो इसको दिन में 3 बार लेना है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों ब्रायनिया। अगर आपके अंडकोश में, आपके स्कॉटम में, टेस्टिस में ऐसा दर्द होता है कि गोली लग गई हो, शूटिंग पेन होता है और बैठे बैठे ही उसमें चुभन सी बनी रहती है, तो उस कंडीशन में आप ब्रायनिया का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस। अगर जो आपका अंडकोश है और जो आपके टेस्टिस है, स्कॉटम और टेस्टिस दोनों में सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस मेडिसिन लेना है। उसके बाद में अगर जो अंडकोश में सूजन आ गई हो, साथ में अंडकोश बहुत ज़्यादा फूल गए हो, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो, बढ़ते जा रहे हो, और बहुत लालपन आ गया हो, रेडनेस आ गई हो, तो वहाँ पर आप स्पॉन्जिया मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 20 बूंद या 15 बूंद से 20 बूंद लेना है, आधे से एक कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार। अगर बड़ा साइज है, लालपन आ गया है, तो आप स्पॉन्जिया क्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आप बेलाडोना 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों रोडोडेंड्रोन। अगर राइट साइड का टेस्टिकल ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, या राइट साइड में स्कॉटम ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और लेफ्ट साइड में नॉर्मल दिख रहा है, आपको लग रहा है कि राइट साइड का बढ़ रहा है, फूल रहा है, तो उस कंडीशन में रोडोडेंड्रोन लेना चाहिए। और बरसात आने से पहले अगर समस्या यह बढ़ती है तो रोडोडेंड्रोन बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में अगर बढ़ रहा हो, राइट साइड का नॉर्मल हो, तो वहाँ पर पल्सेटिला का इस्तेमाल करना है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन सा वो कॉम्बिनेशन है जिसके इस्तेमाल से किसी भी प्रकार के पानी भर जाने की जो समस्या होती है अंगों में, कहीं भी वह समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इसमें 2 मदर टिंचर का इस्तेमाल करना है, एक एपिस मेलिफिका का मदर टिंचर लेना है और एक एपोसाइनम का मदर टिंचर लेना है। दोनों मदर टिंचर को बराबर मात्रा में एक खाली बोतल में मिला लेना है और इसको 20-20 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम हमें लेना है। इसके साथ में दोस्तों जो सिम्टम आ रहे हैं उसी प्रकार आपको मेडिसिन लेनी है। इस कॉम्बिनेशन के साथ में अगर आपको चोट लगने के कारण हाइड्रोसील डेवलप हुआ तो आर्निका लेनी है, और दोस्तों अगर आपको शूटिंग पेन हो रहा है
चुबन टाइप का हो रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ में आपको ब्रायोनिया लेनी है। इसके साथ में अगर साइज बहुत बड़ा हुआ है या फिर उसमें लालपन आ गया है, रेडनेस आ गई है, तो आप स्पॉन्जिया मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सूजन आ गई है स्कॉटम में और टेस्टिस में दोनों, तो ग्रेफाइटिस का इसके साथ में इस्तेमाल करना है। और दोस्तों राइट या लेफ्ट साइड है, अगर राइट साइड है तो रोडोडेंड्रोन इस कॉम्बिनेशन के साथ में लेना है, और अगर लेफ्ट साइड है तो पल्सेटिला 30 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पे इस कॉम्बिनेशन में के साथ में लेना है। रोडोडेंड्रोन को भी आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन और बहुत अच्छे इनके रिजल्ट है। हाइड्रोसिल की समस्या दोस्तों ठीक हो जाएगी। इन मेडिसिन का आपको इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना है, जो कॉम्बिनेशन बताया है एपिस और एपोसाइनम का, मदर टिंचर का, उसके साथ में जो कारण है, कारण आपको ढूंढना है, और उस कारण के हिसाब से जो लक्षण मिल रहे हैं, मेन तो लक्षण है, जो सिम्टम मिल रहे हैं उस सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन आपको इसके साथ में लेना है। सभी मेडिसिन इकट्ठी नहीं लीजिएगा। अगर इकट्ठे दो चार सिम्टम सब दो चार मेडिसिन के मिलते हैं तो जरूर ले सकते हैं, लेकिन अगर एक ही सिम्टम मिलता है एक ही मेडिसिन का या एक ही मेडिसिन के सिम्टम मिलते हैं तो आप एक ही मेडिसिन लीजिए या दो मेडिसिन लीजिए, तो आपकी समस्या दोस्तों ठीक हो जाएगी। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बीमारी को लेकर, कुछ नई मेडिसिन को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।